हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। नहीं नहीं, हाँ जब लगना स्टार्ट होगा तो पन्नी में से निकालेंगे तब नहीं हो। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज हम आए हैं निक्कू कार डिकोर पे। जैसे कि सभी को पता है भाई, वो पार्क में पार्किंग में काम करवाते हैं, दुकान पर तो लेके जाते नहीं हैं, तो वहीं हम खड़े हैं। इस गाड़ी में भी काम हो रहा है, पीछे भी काम हो रहा है और यहाँ पे भी काम हो रहा है। हम लगवा रहे गाइस फुट स्टेप। अब ये दूसरी साइड लग रहा है, एक साइड तो लग गया, मैं वहाँ चल के दिखाता हूँ आपको। ये देख सकते हैं गाइस आप, सेल्टोस का है, सही लग रही है, बढ़िया क्वालिटी भी लग रही है, चढ़ के भी सही लग रहा है। चढ़ना चढ़ना दोबारा चढ़ना। तो भाई ऐसे चढ़ सकते हैं, सही सही लग रहा है। हाँ तो भाइयों, ये दिखने में भी सही लगते हैं और थोड़ा साइड से बचत भी होती है, इसलिए हमने सोचा लगवा लेते हैं। वैसे एल्टोस में इतनी कोई ख़ास ज़रूरत तो है नहीं इसकी, इतनी कोई अच्छी गाड़ी नहीं है, बट फिर भी अपना सेफ्टी के तौर से सही लगता है तो इसलिए लगवा लिया। ये भी ऐसे नीचे लेट लेट भाई। अरे भैया, ऐसे एंगल लग जाते हैं भाई फुट स्टेप में और इनके ऊपर ऐसे। अभी तो ये कसेगा, हिल रहा है, फिर तो इनके ऊपर रख के पेच भी कस जाते हैं। हमारे साइड से अनपैकिंग हो रही है। तो भाइयों, हम आ चुके हैं घर पे, रात हो रही है। और ना ये मैं उसके बाद से ना 2-3 दिन बाद शूट कर रहा हूँ, क्योंकि यार टाइम नहीं मिल पा रहा था 1-2 दिन से। तो भाइयों, ये ऐसी कुछ फिटिंग आई थी फुट रेस्ट की, और ना मेरे को ये वाले इसलिए बढ़िया लगे। पहले मेरा मन था कंपनी से मिलते हैं, शोरूम से, रेड कलर की ना ऐसे ऐसे लाइनें आ रही होती है और बीच में सेल्टोस लिखा, तो वो कंपनी कैसे लगते हैं। बट निक्कू भैया ने कहा कि यार उसकी ना क्वालिटी थोड़ी हल्की होती है, तुम ये वाला लगाओ। मेरे कहने से लगवा के लेके जाओ, मज़ा आएगा भाई। लगा भी था उठा के भारी। और एक चीज़ और अच्छी लगी इसमें, जो है साइड में सिल्वर सिल्वर डिज़ाइन आया ना, ये बहुत अच्छा लगा। और थोड़ा अच्छा इसलिए क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे क्रोम के नीचे ना सेम ऐसी लाइन है हमारी गाड़ी में, जो GT लाइन में रेड आती है ना, STX में सिल्वर आती है, और ये सेम ऐसी थी, तो इसलिए हो रही है थोड़ी जचा। और हम मैंने एक चीज़ और लगवाई थी, वह भाइयों ये स्पॉइलर, थोड़ी दिन भर खड़ी रही है गाड़ी तो धूल वूल हो गई है। ये प्राइमर से कर करा के उनने, 3-4 बंदों ने ऐसे कर करके धक्का मार के मस्त अपना चुपका दिया, बढ़िया काम हो गया था। तो यही काम कराया था हमारा ना, कोई मतलब ऐसा जाने का था नहीं उनके यहाँ, वो तो करोलबाग जाना पड़ गया था एक काम से। फिर YouTube पे देखा मैंने, नंबर लिया, मैंने कहा चलो यार कॉल करके देखते हैं, कॉल उठा लेते हैं तो चल लेंगे। कॉल किया, उनने तो कॉल उठा भी ली निक्कू भैया से, एकदम डायरेक्ट बात हुई। मैं तो शौक के यार, वो इतने बिजी रहते हैं, बहुत वीडियोस देखी उनके बारे में, उनने कॉल उठा भी ली। फिर उनसे बात हुई, उनने बताया कि एक होटल का नाम बताया था, मेट्रो करके कुछ था, कि हाँ भाई यहाँ पर आ जाओ, मैं अपना लड़का भेज दूँगा। फिर हम वहाँ पहुँचे, उनके लड़का पीछे बैठा, उनने कहा चलो। वो एक पार्क में ले गए, वहाँ निक्कू भाई भी मिल गए थे, उन्हें बताया ये कराना, उन्होंने कहा ठीक है। तो ये उनकी दुकान से सामान आता रहा और लगता रहा। ये ना 10,000 में हो गया है दोनों चीज़ें, वो स्पॉइलर भी और ये भी 10,000 में दोनों चीज़ें हो गई थी। बाकी भाई काम तो बढ़िया लगा, नेचर भी बढ़िया लगा निक्कू भैया का। और ना आप लोग सोचोगे कि यार निक्कू भैया गया, गया मैंने उनकी वीडियो नहीं बनाई, बंदे तो जाके उन्हें, बंदे तो जाते ही इसलिए वीडियो बनाने उनकी वहाँ पे दिखाते हैं। तो भाई मेरे देखो ऐसा चीज़ नहीं थी, वीडियो हाँ मैं बनाता हूँ,
बट मेरा ये नहीं था कि मैं उनके पास इसलिए गया कि मेरे को वीडियो बनानी है, इसलिए नहीं गया था मेरे को, तो बस अपना काम कराना था और थोड़ा ट्रस्ट था। अब यार मेरे हिसाब से ना गाड़ी हमारे लिए बहुत महंगी है, तो अननोन जगह कहीं भी ऐसी ऐसी जगह ना छिड़वाना अच्छा नहीं लगता इस गाड़ी को, इसलिए यार यही मन था कि कहीं ऐसी जगह हो कि जहाँ पे प्रॉपर काम हो जाए, एक ट्रस्ट वाली चीज़ हो जाए। तो उसी लिए हम वहाँ गए थे निको भैया के पास, वहाँ पे आशीष शौकीन भाई भी थे, मैं चाहता उनको भी करवा सकता था वीडियो में, मतलब बना सकता था, बट वो भी अपना गाड़ी में बिजी थे। मैंने कहा यार क्या उनको जाके बोलूँगा, बाकी मेरी उनसे बात हुई थी उनकी वीडियो के कमेंट में, तो उनने कहा था अरे मिल लेते भाई, मैंने कहा नेक्स्ट टाइम भी आप पक्का ज़रूर मिलेंगे। तो ये थी भाई वीडियो, ये सब काम ही बस ये दो चीज़ें कराई थी, बाकी हमने लिया ये मॉडल इसलिए हमें ज़्यादा कुछ बाहर से छिड़वानी नहीं, गाड़ी अपनी जैसी है एकदम मस्त है, कुछ छिड़वाने की ज़रूरत लगती तो है नहीं हमें इस गाड़ी में। टॉप मॉडल क्या मतलब STX है, ऑलमोस्ट टॉप हो ही जाता है, सारे फीचर मिल जाते हैं, बहुत सारे ज़रूरत के जैसे भी और प्लस भी फीचर काफ़ी मिल ही जाते हैं इसमें, तो बाहर से कोई ऐसा काम तो कराना अब है नहीं हमें। ये थोड़ा मेरे को था लुक ना अच्छी हो जाती है एक GT लाइन वाली सी, तो ये स्पॉइलर लगा दिया था, मस्त सा लग रहा था। और इसका भी कोई हमें खास ज़रूरत नहीं थी इसमें ये चीज़ करवाने की, बट थोड़ा ना इससे लुक तो एक अलग ही आ जाती है, साइड चीज ना ऐसा लगता है भरी भरी सी गाड़ी की और मस्त सी लग रही है एकदम स्पोर्ट्स लुक सी। और थोड़ा रहता भी, अब कभी दिल्ली विल्ली जाना होता है ना, आप लोगों को बताइए यार दिल्ली का हाल, बाइक वाइक वाले टच होते हैं और कहीं कंजस्टेड जगह में से निकालो ना, तो नीचे का थोड़ा ये गेट का हमारा हो जाता है, क्योंकि ये गेट से ना बाहर रहता है, आप देख सकते हैं गेट के एकदम स्ट्रेट है और ये नीचे इतना बाहर आ रहा है, तो थोड़ी बचत भी हो जाती है। तो वो चीज़ थी भाई, बताना सेफ्टी के पर्पज़ से सही चीज़ आपको लगती है कि नहीं, आप लोगों ने लगवाया अपनी गाड़ी में कि नहीं। तो भाइयों यही थी वीडियो, पसंद आए तो जो मन करे भाई कर देना यार, यही थी वीडियो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, बाय बाय।